नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुमेरपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पार्टी की चार पीढ़ियों ने देश को बर्बाद कर दिया। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी ने कहा कि अब राजदार राज खोलेगा और पता नहीं बात कितनी दूर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ राजस्थान नहीं जीतना है, राजस्थान का हर पोलिंग बूथ जीतना है और हमारा मंत्र होना चाहिए, मेरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत। राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस पर चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में शाह ने कहा, हम एक रचनात्मक एक सकारात्मक एजेंडे को पूरे चुनाव में लेकर गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम राजस्थान में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने परंपरागत तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, जातिवाद के मुद्दों को उभारने का प्रयास किया, परिवारवाद के आधार पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया और तुष्टीकरण की नीति को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बुलंदशहर में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सुबोध के घर वाले लगातार योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री कल सुबह इंस्पेक्टर के परिजनों से लखनऊ में मुलाकात करेंगे। 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस दंगा भड़काने वालों की तलाश में गांव-गांव जाकर लगातार छापेमारी भी कर रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार कई राज्यों में हार चुकी है और इसकी हार का कारण राहुल गांधी हैं। उन्होंने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपनी माँ सोनिया से विनम्रता सीखें। राहुल के साथ ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि राहुल को ये बताना पड़ेगा कि तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन क्यों किया। तेजस्वी यादव के बंगले पर विवाद और गहरा गया है। तेजस्वी के बंगले 5 देश रत्न मार्ग पर आज सुबह पटना प्रशासन पहुंचा, लेकिन तेजस्वी ने दो टूक कहा कि जब तक ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तब तक वो बंगला खाली नहीं करेंगे। गौरतलब है कि तेजस्वी ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच में अर्जी लगा दी है। 1.5 साल पहले RJD के हाथों से सत्ता जाने के बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित बंगला खाली करने को कहा था। असम में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। इस चुनाव में भाजपा, असम गण परिषद, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 9 दिसंबर को होगा और मतगणना 12 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बांद्रा भान गाँव में एक डंपर की टक्कर से ऑटो सवार दो महिलाओं की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी। सूत्रों के अनुसार बांद्रा भान में डंपर ने ऑटो सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर को धमाके से उड़ाने की धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। चिट्ठी में 2006 में हुए धमाके से बड़ा धमाका करने की धमकी दी गई है। मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र के मुताबिक परसों रात एक धमकी भरी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मंदिर में मार्च 2006 से बड़ा धमाका होगा। साथ ही धमकी को हल्के में ना लेने की चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। पुलिस को मिली एक कॉल में बताया गया कि कुछ लोग इलाके में एक सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे हैं। महिलाएं इलाकों में खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को भद्दे इशारे करती हैं। पुरुषों को गंदे इशारे कर उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इलाके में छापा मार कर 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बैंक से कर्ज लेकर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने पूरा पैसा चुकाने की पेशकश की है। माल्या ने ट्वीट कर कहा, वो पूरा पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी विनम्रता से बैंक और सरकार से कहता हूँ कि वे पैसा ले लें। अगर मेरी पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया तो क्यों?
खास बात यह है कि माल्या की ये पेशकश अगस्ता घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के कुछ घंटे के बाद ही आई है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में विकी कौशल ने सैनिक का रोल निभाते हुए दमदार परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग भी काफी दमदार हैं। 2 मिनट 24 सेकंड का ट्रेलर देशभक्ति के जज्बे से लबरेज है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नापाक इरादों को असफल करने में शहीद हुए जवानों के परिवारों का दर्द भी इस ट्रेलर में बखूबी दिखाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।